Hello, students. Welcome back to our channel. Again, we are here with another beautiful lesson of standard second. Open to page number thirty-eight of English Balbharti textbook. Unit three, lesson number four. Name of the lesson is Story Time: Nina's Dream. Nina was a little girl. Nina ek choti si शी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज नियर दिव्यागढ़ इन कोंकण नीना एक छोटे से गाँव में रहती थी जो कोकण के करीब था और उस गाँव का नाम था दिव्यागढ़ हो पेरेंट्स वर्ग इन द फील्ड उसके पेरेंट्स माता पिता खेतों में काम करते थे हिलेज वॉज नियर द सी उसका गाँव नदी किनारे था ब्रदर वेंट टू द्रॉसलैंड टू क्रेज देयर कैटल उसका भाई जानवरों को लेकर क्रॉसलैंड हरियाली की तरफ मैदानों की तरफ चला जाता था अपने जानवरों को चराने के लिए द ओलर गर्ल्स फ्राम हर लेन वेंट टू ब्रिंग फायर वुड फ्राम द फॉरेस्ट नीना के मोहल्ले की बड़ी लड़कियाँ घरों में आग जलाकर जो खाना बनाया जाता है उसके लिए लकड़ियां जमा करने जंगलों की तरफ निकल जाती थी नीना सैट अंडर अ मैंगो ट्री एंड वाश्ड द बर्ड्स बटरफ्लाइज एंड क्लाउड्स नीना आम के दरख्त के नीचे बैठकर उड़ती चिड़ियों को तितलियों को और दौड़ते भागते बादलों को देखा करती थी She too wanted to fly like them. Nina bhi birds, butterflies or clouds ki tarah urna chahti thi. When she saw the sea, she wanted to cross it and see what is there on the other side. और जब वो दरिया देखती तो उसका दिल उसे cross करके दूसरी side जाने को करता ये देखने के लिए कि दरिया के दूसरी side पर कैसी दुनिया बसी हुई है दरिया की दूसरी साइड पर क्या चीज़ें हैं आफ्टर डिनर वन एवरी वन स्लेप्ड इन द फ्रंट यार्ड ही सॉ द मून द स्टार्स एंड वॉन्टेड टू टच दैम रात को जब सब खाना खाकर सहन में सो जाते तो वो अकेली चाँद को तका करती तारों को देखा करती और उसका दिल उन्हें छूने को करता

क्या मेरी इच्छाएं मेरी विशेष कभी पूरी भी हो सकती हैं क्या मेरी विशेष कभी पूरी होंगी वन डे अ स्मार्ट लेडी कीन टू देयर विलेज शी अ बैग सम पर्स ऑन हर शोल्डर एक दिन उनके गांव में एक स्मार्ट लेडी आई जिसके पास एक बैग कुछ किताबें और कंधे से एक पर्स लटक रहा था नीना रैन टू हर एंड आस्ट नीना दौड़ती हुई उसके पास गई और उसने पूछा उस लेडी से हु आर यू आर यू गोइंग टू लिव इन आर विलेज आप कौन हैं क्या आप हमारे गांव में रहेंगी द लेडी स्माइल्ड एंड सैड यस आई एम रुतुजा आई एम गोइंग टू लिव इन योर विलेज उस लेडी ने मुस्कुराते हुए नीना से कहा हाँ मेरा नाम रुतुजा है और मैं अब से तुम्हारे गांव में ही रहूंगी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन एक्टिविटी सेंटर ये फॉर द लिटिल गर्ल्स लाइक यू हम यहाँ तुम्हारे गांव में छोटी बच्चियों के लिए तुम्हारे जैसी छोटी छोटी प्यारी बच्चियों के लिए एक एक्टिविटी सेंटर स्टार्ट करने वाले हैं शुरू करने वाले हैं आई ऑल्सो लिव्ड इन पेंट स्कूल इन अ स्मॉल विलेज लाइक दिस मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह एक छोटे से गांव में रहती थी और छोटे से गांव की छोटी सी स्कूल में पढ़ने जाती थी नीना वॉज हैप्पी नीना बहुत खुश हो गई शी हेल्ड रुतुजाज हैंड एंड हर होम नीना रुतुजा का हाथ पकड़कर अपने घर ले गई और उसने उसे चाय और लड्डू सर्व किए रुतुजा सेट Thank you, Nina. I am a pilot, but I have left the job because I want to teach different things to the little girls from villages. Rutuja Nina se kaha, "Thank you, Nina. Make pilot ho. Lekin maine apni job sirf isliye chhordi kyun ke main gaon ki choti choti bachio ko thei sare aaleg aaleg chizes sikhana chahti A pilot." रियली नीना वॉज जम्पिंग विद जॉय क्या पायलट सचमुच नीना तो खुशी से उछल पड़ी ऋतुजा के मुँह से ये सुनते ही सी मदर माँ देखो गर्ल्स कैन फ्लाई लड़कियाँ उड़ भी सकती हैं ऋतुजा स्माइल्ड एंड सैड रुतुजा ने मुस्कुराते हुए कहा दे कैन सेल अक्रॉस द ओशन टू वो समंदर में जहाज भी चला सकती हैं मदर टू वॉज वेरी हैप्पी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश थी नीना की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश थीं नीना रैन आउट टू टेल एवरी वन अब ऑफ द न्यू एक्टिविटी सेंटर नीना दौड़ती हुई वहाँ से निकली ताकि गाँव में जाकर हर एक से खाँव में खुलने वाले नए एक्टिविटी सेंटर के बारे में बता सके चिल्ड्रेन दिस लेसन इज अबाउट अ स्मॉल गर्ल हु इज़ वेरी एम्बिशियस ये स्टोरी एक बहुत ही एम्बिशियस छोटी सी बच्ची की है जिसके दिल में बहुत कुछ करने की चाह है जो अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम करना चाहती है आप बच्चों की भी तो कुछ एम्बिशंस होंगी आप भी तो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते होंगे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं आप लोग अपनी लाइफ में आगे क्या बनना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम नाउ ऑनवेज हम अपने हर नए वीडियो में एक स्मॉल टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे लेसन या पोएम आपको कितना समझ में आया उसे चेक करने के लिए लिंक में दिया गया टेस्ट अटैम्प्ट करें अपना फाइनल स्कोर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें हाईएस्ट स्कोरर को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली शाउट आउट देंगे हमारा वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें स्टे सेफ एंड एंजॉय ऑनलाइन टीचिंग्स बाय